नैनीताल की भूमिगत झील की सच्चाई, जय भारत टीवी का बड़ा खुलासा। आपने नैनीताल में एक भूमिगत झील मिलने की खबर सुनी है, बेशक सुनी होगी। ये खबर बीते दो दिनों से मीडिया में खासी सुर्खियां बटोर रही हैं। जमीन के भीतर एक झील मिलने की इस खबर को लेकर लोग बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल के सिंचाई विभाग ने IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के माध्यम से तल्लीताल स्थित बलिया नाले इलाके का भूमिगत सर्वे कराया था और इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नैनीताल सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह ने खुलासा किया कि तल्लीताल इलाके में एक भूमिगत झील पाई गई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द लोड फ्रॉम ड्राइंग वाटर फ्रॉम द नैनी लेक। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चले और ये अप्रिहेंशन है कि जो पानी निकल रहा है, कई सालों से निकल रहा है, तो नीचे एक वाटर शीट बॉडी है, तो अगर हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो दो पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं। एक तो नैनीताल को वाटर सप्लाई मिल जाएगी, दूसरा कुछ हद तक लैंडस्लाइड जो हो रहा बलिया डाले का उसको भी मिटिगेट कर ले जाएंगे। लेकिन आज हम आपको इस खबर की पूरी सच्चाई बता रहे हैं। क्या वास्तव में नैनीताल के तल्लीताल इलाके में कोई भूमिगत झील मौजूद है? क्या जमीन के भीतर 200 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी झील का होना सामान्य बात है? जब ये खबर जय भारत टीवी तक पहुंची तो हम चौंक गए। ये केवल चौंकाने वाली खबर नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरा देने वाली थी। तो क्या एक शहर उस जमीन के ऊपर बसा है जिसके नीचे 200 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी झील मौजूद है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त ये शहर भरभराकर झील में समा सकता है। मगर नैनीताल प्रशासन ऐसे खुशी मना रहा था मानो उन्हें जमीन के नीचे दबा कोई खजाना मिल गया हो। जिला प्रशासन ने इसे नैनीताल का सौभाग्य बता दिया। भूमिगत झील को बलिया नाले के भूस्खलन और पानी की समस्या से निजात दिलाने वाला बताया गया। इसके बाद ये खबर आग की तरह मीडिया और सोशल मीडिया में फैल गई। लेकिन ये खबर सच्चाई से कोसों दूर है। दरअसल नैनीताल में कोई भूमिगत झील है ही नहीं। जी हाँ, जय भारत टीवी ने इस खबर की तह तक जाकर पूरी सच्चाई को उजागर किया है। हमने देश के बड़े भूगर्भ वैज्ञानिकों से बात की, हमने IIT रुड़की के उन वैज्ञानिकों से भी बात की जिनके हवाले से मीडिया में भूमिगत झील होने की खबरें चल रही थी। पहले सुनिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व HOD और देश के वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर CC पंत को। सर, मैं आज इसलिए आपको फोन किया था। हाँ। अभी जिस तरह से आपने भी खबरें पढ़ी होंगी, जानकारी होगी, ये जो तल्लीताल में जो झील मिलने की बात हो रही है नीचे अंडरग्राउंड, इसके क्या मायने हैं सर आपकी नजर में? ये क्या इतना आसान है कि झील होना वहां पर, अगर है तो? ना ना, पहली बात ये है, वो IIT रुड़की के प्रोफेसर संदीप सिंह हैं, हमारे ही मित्र हैं जी। ये जब तो वो ये लैंडस्लाइड के उसमें वो आए होंगे जी, तो ये पानी भी, ये पानी तो बहुत पुराना है। तो जो ये संदीप सिंह साहब हैं, इन्होंने किस मेथड से किया, ये कैसे मालूम पड़ा इनको, वो इम्पॉसिबल है। वो आपने अगर सर इसको हम क्या माने कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों से हुई है, या वो वहां पर कोई जलधारा हो सकती है जैसे पहाड़ों में, जैसे अभी आपने बताया कि छोटी छोटी स्प्रिंग है। आपके आप कहीं जाओ पहाड़ों में, सब स्प्रिंग कहीं पर रेपियर होता है ना, वो ग्राउंड वाटर तो है वो। जी जी जी, जो बरसात का पानी अंदर चला गया वो फिर क्रैक से होता है, इधर उधर जुड़े बहुत सारे क्रैक्स है उसके अंदर जी। तो जुड़ करके जहाँ पर उसको सरफेस पर, उस क्रैक को कहीं पर सरफेस में जहाँ जगह मिलती है किसी स्लोप में, वहाँ पर स्प्रिंग हो जाते हैं। आप इसको कोई साइंटिस्ट ना जरूरी होना है, हाउ कैन अ लेक एग्जिस्ट ऑफ दैट डायमेंशन व्हेन दीज आर कार्बोनेट रॉक, इट विल कोलैप्स। बिल्कुल, इट विल कोलैप्स जी, सिंक बन जाएगा ना, सिंक होल बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैंने तो यही लिखा था यहाँ। सब लोग जो कॉमन इस साइंस या जियोलॉजिस्ट की बात ही नहीं है। हाँ, वही मैंने भी सोचा सर, जब मेरे को ये खबर पता चली, मैंने कहा कि उतने लंबे समय से GIC का पूरा इलाका ऊपर बैठा है, नीचे अगर 200 हाँ। मीटर की झील है तो मतलब कि एक बहुत बड़ा चैम्बर है वो, उस चैम्बर के अंदर हाँ। झील होना और ऊपर उसकी रूफ में पूरे लोग बैठे हैं, वो तो अभी तक धस गया होता, वो तो बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुना आपने, प्रोफेसर CC पंत ने तल्लीताल क्षेत्र में भूमिगत झील होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अब आप IIT रुड़की के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर संदीप सिंह की बात सुनिए, जो खुद इस सर्वे टीम के सदस्य थे। उन्होंने मीडिया पर झूठी खबरें चलाने का आरोप तक लगा दिया है। सर गुड आफ्टरनून, मैं हेमबर्ट बोल रहा हूँ सर, देहरादून से, जय भारत टीवी से। हाँ बताइए जी। मेरी सर अभी प्रोफेसर CC पंत से नैनीताल बात हुई थी जी। वो जो सर ये झील की बातें आ रही है वहाँ पर नैनीताल में, उसके विषय में मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। वो आपको, आपने आज का पेपर देखा हिंदुस्तान में, उसमें हमने उनको काफी कुछ क्लियर कर दिया है जी।
हाँ तो वहां पर सर इस तरह से झील का कोई बात है सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है ऐसा? मैं तो भैया मतलब मैं मीडिया वालों से बड़ा घबराता हूँ ना ना ना, आपको पता नहीं किस हिसाब से कोट कर दें तो अब ठीक है। हाँ ऐसे कोई झील है वहाँ पे जी, इस अंडरग्राउंड वाटर है सर। ओके अच्छा, वो जल धाराएं हैं वहाँ पर ना कि कोई झील है? पहाड़ों में बहुत होती है, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है ये। ओके 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 जी जी। तो क्योंकि सर उससे एक बड़ी भ्रांति सी बन रही थी कि 200 मीटर की अगर झील है तो वो कैसे उसके ऊपर एक शहर बस जाए। तो आप ही लोगों ने फैलाई है मीडिया वालों ने। नहीं सर, वो कोई एक पर्टिकुलर संस्थान हो सकता है, हमारा तो नहीं है, इसीलिए हम अभी तक उस खबर को हमने दिखाया भी नहीं है, इसीलिए तो सच्चाई जो है वो सामने आए हमारी कोशिश है। इस बात से साफ है कि नैनीताल में भूमिगत झील का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ सर्वे टीम ने इस बात से इनकार कर दिया है, यानी मीडिया में भूमिगत झील को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह से झूठी साबित हुई हैं। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से हेम भट्ट की रिपोर्ट।